यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है फोरशॉर्टनिंग का, मतलब कई चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगी बट वो ऐसे एंगल पर है कि वो आपको दिखेंगी नहीं। रिब केज की डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी, जो कि जाएगा इस तरीके से, और जो कनेक्शन है नीचे वाला वो यहाँ पर आ रहा है। सेंटर में एक लाइन क्रिएट करते हैं लेफ्ट टू राइट वाली, तो ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी है। बट अगर हम रिब केज की वर्टिकल लाइन की बात करें तो ये वाली ज्यादा बड़ी आ रही है। भाई लिटरली टॉपिक तो आप सभी बताते ही रहते हो, जिसके लिए दिल से शुक्रिया। तो आज हम देखने वाले हैं फिगर ड्राइंग कैसे की जाती है। फिगर ड्राइंग स्टार्ट करते हुए गलतियां सभी करते हैं, मैंने भी काफी सारी गलतियां की, बट चेंज हमेशा राइट नॉलेज और एक्सपीरियंस से आता है। राइट नॉलेज से राइट ट्रैक मिलता है और उसे अप्लाई करने से एक्सपीरियंस, जो कि तभी पॉसिबल है अगर आप वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से देखोगे, ताकि आप पहले की तरह स्टिक और स्टिक फिगर्स ना बनाने लग जाओ। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, बट ये वीडियो थोड़ी एडवांस जाने वाली है। जो पॉइंट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मैंने माइकल हैम्पटन की एक बुक फिगर ड्रॉइंग से लिए है, तो थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको थॉट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि एक रेफरेंस फोटो को देखते वक्त उसमें से क्या क्या ड्रॉ करना है, कैसा दिखना चाहिए आपको, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। फिगर ड्रॉइंग, टू बी ऑनेस्ट, ये टॉपिक काफी बड़ा है, इन्हें एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, तभी इनके लिए हम पार्ट्स बनाएंगे। एक वीडियो में हम स्टार्टिंग का कुछ ऐसा पार्ट कवर कर लेंगे कि आपकी फिगर ड्राइंग का देखने का नजरिया थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, कि कैसे सिंपल शेप्स का यूज कर सकते हैं हम, कैसे ओवल्स का, सर्कल्स का, बॉक्सेस का किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम फिगर ड्राइंग के अंदर। तो हम इस वीडियो में वो ही देखने वाले हैं कि आज हम ओवल से, बॉक्सेस से किस तरीके से फिगर ड्राइंग करेंगे, पिक्चर के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, जैसे हम मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि बनाने से ज़्यादा देखने पर फोकस किया करो, कि दूसरा जो बना रहा है वो पिक्चर को, वो रेफरेंस पिक्चर को देख कैसे रहा है। अगर आप वो जान गए तो आप आधी से ज़्यादा गेम जीत जाओगे। तो हम आज सबसे पहले पिक्चर्स के ऊपर किस तरीके से मैं आउटलाइन कर रहा होता हूँ वो देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यूज करने वाले हैं सर्कल्स, कुछ ओवल्स, इस तरीके से हम ओवल्स यूज करने वाले हैं, बट ये तो फ्लैट है, तो अब हम इन्हें कॉन्टोर लाइन से 3D फॉर्म देंगे, क्योंकि अगर हम बाकी सारे टाइप्स ऑफ शेडिंग की ओर जाएंगे तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ दो लाइंस के अंदर इसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ये लीजिए 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अगेन, और ये वाला सी कॉन्टोर लाइन से हम किसी भी 2D शेप को 3D में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि शेप का प्लेन राउंड है या फ्लैट है। अगर नेक्स्ट शीट पर चलते हैं कि आपको फोकस किस चीज पर करना है। अब देखिए, हर एक बॉडी में जब हम इन ओवल्स को यूज कर रहे होंगे उस टाइम पर इनका फेस की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे पहले एक सर्कल की बात करता हूं तो ये इस डायरेक्शन में देख रहा है, सेम विद दिस, बट ये थोड़ा ऊपर की तरफ और सामने की तरफ देख रहा है, मतलब हमारी ही तरफ देख रहा है। अब इनकी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, वो देखिए कैसे करते हैं। दोबारा से एक ओवल क्रिएट कर रहा हूँ, अब इसकी डायरेक्शन में कुछ ये रखूंगा, अब ये वाला ओवल इस डायरेक्शन में देख रहा है। अगर मेरे को इसे नीचे करना हो तो क्या करूंगा, तो मैं ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, इसको मेरे को नीचे करना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट नीचे की तरफ देख रहा है। आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओवल को लेकर जाना है तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, ये आपको डिसाइड करना है। सेम तरीके से ओवल्स का एंगल भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब इस ओवल को यूज करते हैं और एक बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। हमें टोटल 8 बॉडी पार्ट्स पर ध्यान रखना है। पहला हो गया हेड, दूसरी हो गई स्पाइन, स्पाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तीसरा है पेल्विस, चौथा रिब केज, पांचवा आर्म्स, दो आर्म्स और दो लेग्स। बहुत ही सिंपल तरीके से चलेंगे। अभी हम ज्यादा कोई एक्चुअल फिगर को सामने नहीं रख रहे हैं, बट अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं एक बॉडी से रिलेशन में, एक स्टैंडर्ड बॉडी क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है, ऊपर से चलते हैं नीचे की तरफ, सबसे पहले आएगा हमारा हेड। तो हेड के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हेड के लिए एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, एक सर्कल, और उसके बाद उसे एक 3D फॉर्म दिया। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस एक आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ कि हाँ वहां पर हेड है। उसके बाद अब मैं रिब केज के लिए एक ओवल क्रिएट करने जा रहा हूँ, वो देखिए कैसे, यहाँ तक आ रही है हमारी नेक और यहाँ से आ जाएगा रिब केज। अब रिब केज का मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अब इसके अंदर हम प्लेसमेंट कराएंगे चीजों की। बस इसको कॉपी करने की कोशिश करना जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें स्टार्टिंग में आपको एज इट इज ड्रॉ करना पड़ेगा,
इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ ये क्यों चीज़ें आ रही हैं, ये होती ही ऐसी है। तो आपको इन्हें सबसे पहले एज इट इज़ रखने की कोशिश करनी है और ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट चीज़ें सेम होंगी। ऑलराइट, यहाँ पर एक मैं हुक क्रिएट कर रहा हूँ शोल्डर्स के लिए। ओके, इतना हमारा बॉडी पार्ट बन चुका है। ये आगे हमारे शोल्डर्स के लिए और ये आगे हमारा चेस्ट रीजन। इसके बाद थोड़ा और नीचे चलता हूँ और पेल्विस के लिए भी मैं एक ओवल क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले। अब इस वाले ओवल में और इस वाले में फर्क देखिए क्या है। जो ऊपर वाला ओवल हमारा बना है उसकी डायरेक्शन है कुछ ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से, और जो नीचे वाला ओवल है हमारे पास वो है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की तरफ। मतलब अगर हम सेंटर में एक लाइन क्रिएट करते हैं लेफ्ट टू राइट वाली, तो ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी है। बट अगर हम रिब केज की वर्टिकल लाइन की बात करें तो ये वाली ज्यादा बड़ी आ रही है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हमें पेल्विस को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करना होता है कि वो फेस उसका नीचे की तरफ है। नॉर्मल ऐसी होता है, अगर एक पर्सन एक इंडिविजुअल स्ट्रेट खड़ा हुआ है तो उसका जो पेल्विस है वो नीचे की तरफ फेस करा होगा। अगर हम रिब केज की बात करते हैं तो रिब केज ऊपर की तरफ फेस करा हुआ होता है। पेल्विस डन। इसके बाद हम चलते हैं आर्म्स की प्लेसमेंट कराते हैं। आर्म्स के लिए हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना है, जो बोनी पार्ट होता है उसकी डायरेक्शन पर डिसाइड कर रहा हूं मैं। लेफ्ट वाले हैंड के लिए मैं एक कुछ इस तरीके से लाइन जो यहां तक आएगी पहला जो पार्ट है, उसके बाद तीन पार्ट होते हैं एक आर्म में। सबसे पहले बाइसेप वाला रीजन एल्बो तक का, और उसके नीचे ये वाला रीजन, और देन हाथों वाला रीजन। सेम करूंगा दूसरी तरफ। लेग्स के लिए भी सेम मैं लाइंस का ही यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ लाइन से ही प्लेसमेंट कराएंगे। जितना ज़्यादा चीज़ों को इजी हो सके उतना ज़्यादा इजी बनाना होता है स्टार्टिंग में, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना। इसमें आप साथ ही साथ प्रोपोर्शंस भी देखना कि पेल्विस रिब कैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, हेड छोटा तो नहीं लग रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। मैं इसकी आपको एक फ़ोटो इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ये सारी फोटोज आपको वहां पर मिल जाएंगी। चलिए अब हम यही चीजें एक बॉडी पर ट्राई करते हैं कि बॉडी पर किस तरीके से ये चीजें दिखेंगी। हमें ये चीजें दिखनी चाहिए, एक आर्टिस्ट को वो सारी लाइंस दिखनी चाहिए, वो चीजें दिखनी चाहिए, वो शेप दिखनी चाहिए जो एक लेमैन को नहीं दिख रही, क्योंकि वही एक आर्टिस्ट को और एक लेमैन को अलग बनाती है। देखने का नजरिया अलग बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हेड का रीजन, हेड के लिए हमने एक यहाँ पर सर्कल क्रिएट करा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन, देन नीचे किया जॉ लाइन, देन ये आ गई हमारे पास मार्किंग नेक की। उसके बाद देखिए ये वाला रीजन आपको दिख रहा होगा जो हमने वहाँ पर की बनाया था, ये लॉक बनाया था हमने। उसके बाद नीचे एक शेप आ रही थी हमारे पास टाई वाली, कुछ इस तरीके से ये टाई वाली शेप आ जाएगी हमारे पास, जो कि जाएगी तकरीबन यहां तक, और हमारा जो रिब केज है वो आ जाएगा इतने एरिया में। रिब केज आ गया यहां पर। उसके बाद हैंड की डायरेक्शन, एक लाइन यहां से यहां तक, दूसरी लाइन यहां से यहां तक, देन तीसरी वो दिख नहीं रही है बट मैंने फिर भी बनाया है उसे। सेम सेम करूंगा लेफ्ट हैंड पर। चलते नीचे की तरफ पेल्विस की तरफ। अब पेल्विस के लिए दोबारा से एक और ओवल, देखिए सेम वही चीजें कर रहा हूं जो हमने अभी पहले की थी, उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एक बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। जब हम आगे चलेंगे तो थोड़ा और डिफिकल्ट रेफरेंस फोटो लेंगे। उसके बाद यहां से एक लाइन आ जाएगी यहां तक, देन ये वाली लाइन, देन नी टू टो, देन द फुट। अब इस वाले के डायरेक्ट जाएगी नीचे तरफ और यहां से। और अगर मैं इसमें जो हमने लाइंस अभी ड्रॉ किए हैं उनकी बात करूं तो वो बनेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए कितने इजी तरीके से मैंने अभी बता दिया। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। एक बारी आपका ये स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ हो गया, उसके बाद आप मसल को प्लेस करा सकते हो। उसके बाद के पार्ट में देखेंगे हम। आज वाले पार्ट में इसकी प्रैक्टिस करना, साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छा है। बाकी जो मसल की प्लेसमेंट है उनको हम जेस्चर ड्राइंग के साथ ऐड कर देंगे। हम इसका भी यूज करेंगे जेस्चर ड्राइंग के साथ, ताकि एक मसल वाली जो 3D फॉर्म होती है वो भी व्यूअर को दिख सके वो कैसे दिखती है। यहाँ से आपका भी बेस स्ट्रांग हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या होगा अगर जो बॉडी है थोड़ी सी टिल्ट हो गई। अब देखो
अगर जहां पर टिल्ट हो गई वहीं पर हमारा जो हेड है, हेड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, हमारे पेल्विस रिबकेज की डायरेक्शन भी चेंज होगी, बाकी जो लाइंस हैं उनको हम एज इट इज रख सकते हैं एज पर द रेफरेंस फोटो। बट इस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिबकेज को प्लेस करना है आइए वो देखते हैं। सबसे पहले हेड के लिए हमने कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट करा दी। आगे चलते हैं नेक की प्लेसमेंट, यहां से यहां तक। अब इस स्टेप पर ध्यान रखना, उसकी अब जो डायरेक्शन है वो पहले सीधी थी, अब जो आ गई है वो ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए, ठीक है। तो हम इसे ऊपर की तरफ ही लेकर जाना पड़ेगा हमें। उससे पहले हम रिब केज की प्लेसमेंट करा लेते हैं। रिब केज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं ना इसे एक शेप में कन्वर्ट कर दूंगा, देखिए मैं कुछ इस तरीके से शेप दे रहा हूँ, बस इसे ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से शेप। अब जो हमारे पास रिब केज की डायरेक्शन आ रही है, आपको ना इस यहाँ पर ध्यान रखना है, जो चेस्ट का मिडल पार्ट होता है ये वाला, इस पर ध्यान रखना है ये कहाँ पर आ रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या जा रही है। तो ये जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, रिब केज की जो डायरेक्शन है वो ये आ रही है। अब आगे आपको इसी तरीके से चलना है, ये आ जाएगी हमारे रिब केज की डायरेक्शन। नीचे चलते हैं। अब पेल्विस के लिए सबसे पहले हमें एक ओवल क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसकी डायरेक्शन देखिए क्या आ रही है, इसकी डायरेक्शन आ रही है कुछ इस तरीके से, ये यहां पर जा रहा है, ये डायरेक्शन है। उसके बाद आर्म्स की प्लेसमेंट, एक लाइन यहां से आ जाएगी यहां तक, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, डूइंग द सेम थिंग विद द लेफ्ट हैंड। ऑलराइट, अब आ जाते हैं पैर की तरफ। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है फोरशॉर्टनिंग का, मतलब कई चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगी बट वो ऐसे एंगल पर हैं कि वो आपको दिखेंगी नहीं, वो हैं बट आपको दिखेंगी नहीं। कई चीजें हो सकती हैं ऐसे कि ऐसे एंगल पर वो आके चीजें ऐसी बैठ रही हैं कि वो आपको दिखेंगी नहीं, बट आपको उन्हें अपने दिमाग में ऐसा रखना है कि हाँ वो वहां पर चीज है बट वो शो नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर आपने वो शो की तो व्यूअर कंफ्यूज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लेफ्ट लेग तो दिख रहा है, लेफ्ट लेग की स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिख रही है, यहां से आ रही है, ठीक है, वो यहां से यहां तक आया एंकल तक, देन ये, बट जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ पैर यहां तक आ रहा है, यहां से कनेक्ट हो रहा है, वो यहां से कनेक्ट हो रहा है, आपको देखना है, सबसे पहले तो देखने की कोशिश करनी है, इस स्टेज में आपको उसकी प्लेसमेंट करनी है ये जो लाइन है। बट जब हम मसल की बात करेंगे, मसल की प्लेसमेंट की बात करेंगे, उस टाइम पर हमें ये वाला एरिया ज्यादा शो नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये शो करना होगा। अब अगर मैं इस वाले का स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये निकल कर आया। अब देखिए अगर हम इस रिब केज की डायरेक्शन को सामने रखते, बिल्कुल सेंटर में रखते, तो वो ऐसा दिखता कि रिब केज हमारी तरफ फेस किया हुआ है, बट इन रियलिटी रेफरेंस फोटो में थोड़ा चेंज है। रेफरेंस फोटो में उसकी जो डायरेक्शन है वो है कुछ इस तरफ, वो हमारी तरफ नहीं है, सेम पेल्विस की भी इस तरफ है बट हेड की इस तरफ है, सेम इसमें भी हमें वही फील हो रहा है, हमें पहले सबसे पहले वो फीलिंग ही प्रोवाइड करनी है। आ जाते हैं अब हम थोड़े से मुश्किल फिगर पर। इस फिगर को बनाना थोड़ा सा मुश्किल अभी लग रहा होगा आपको, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, जो जो चीजें मैंने अभी बताई हैं उन चीजों को फॉलो करते हुए चलोगे, तो आप इसे इजीली बना लोगे, इसका स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना लोगे आप। सबसे पहले ना, जब भी आप किसी रेफरेंस इमेज को देखते हो उसे नाम मत दिया करो, ये आसान है, ये मुश्किल है, इसे मैं बना नहीं पाऊंगा। मुश्किल आपको तभी लगेगा जब तक आपने वो ट्राई नहीं किया, जब तक आपने उस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया। अगर आपने पहले उस पर काम किया होता तब आपको पता होता कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। 95% केसेस में यही होता है कि हमें लग रहा होता है कि वो मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, बट इन रियलिटी जब हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलते हैं तो वो आप इजिली कर लेते हो। वही सेम चीज हमने अब यहाँ पर करनी है। सबसे पहला काम हेड सर्कल आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद जो हेड की जो डायरेक्शन है वो आ रही है कुछ इस तरीके से। अब मैं लूमिस मेथड की तरह साइड कर दे रहा हूँ, इसको बनाते ही मेरे को पता लग जाएगा, व्यूअर को पता लग जाएगा कि हेड किस डायरेक्शन में है, बस हमें यही शो करना है, पता लग गया। अब उसके बाद देखिए जो क्लेविकल्स की डायरेक्शन है वो है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में है, तो इसको फॉलो करते हुए चलना है। नेक, उसके बाद जो क्लेविकल्स का जो हैंडल है वो यहां पर आ रहा है, देखिए तो यहां से स्टार्ट करूंगा। ओके, इतना हो गया। इसके बाद हम चलते हैं रिब केज की डायरेक्शन, इस तरीके से जाएगी, जो कि जाएगा इस तरीके से,
और जो कनेक्शन है नीचे वाला वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, रिब केज हो गया। उसके बाद चलते हैं पेल्विस पर। पेल्विस की भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। देन अब लाइंस के साथ हम आर्म्स और लेग्स की प्लेसमेंट कराएंगे। एक लाइन यहां से यहां तक, सेकेंड लाइन यहां से यहां तक, देन थर्ड यहां से यहां तक। सेकेंड हैंड की प्लेसमेंट, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड देन थर्ड लाइन। लेग्स यहां से यहां तक, देन यहां से यहां तक। उसके बाद टूज, सेकेंड लेग नीज तक की प्लेसमेंट, देन एंकल, देन टोस। ऑल राइट, तो हमारे पास स्ट्रक्चर निकल कर आया है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर को समझना है, इस स्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करने की कोशिश करना। आप सेम चीज कैसे कर सकते हो, एक फोटो निकालो। ये सारी फोटोज आपको इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से आप इनका प्रिंटआउट निकलवाना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। आप कलर्ड पेंसिल भी ले सकते हो इस तरीके से प्लेसमेंट कराने के लिए। इसके अगले पार्ट के लिए एम रखते हैं 500 लाइक्स का। आई नो आप कर दोगे, बहुत इजी है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हो, या अगर कोई और टॉपिक भी है आपके मन में कि हाँ उस पर हमें वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। और अगर आप भी इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हो जो सीखना चाहते हो कि ड्राइंग कैसे किया जाए, रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे की जाए, फेस ड्राइंग कैसे बनाई जाए, स्टिल लाइफ लैंडस्केप किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, उसके लिए आप रूट्स ऑफ आर्ट ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगी। और अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप वहां पर दिए हुए नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। उस ट्रेनिंग में आपके ड्रॉइंग के बेसिक्स क्लियर तो होंगे ही होंगे, बट साथ ही साथ मार्केट में किस तरीके से अपने आर्टवर्क को सेल किया जाए, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे एक आर्टिस्ट कमा सकता है, वो सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। तो सीखने के साथ साथ मार्केट की भी नॉलेज मिलेगी आपको, किस तरीके से वीडियोस बनाई जाती है, जैसे आप देख रहे हो ये किस तरीके से शूट किया जाता है, एडिट किया जाता है, वो भी सारा कुछ उसमें बताया गया है। तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैंने काफी सारी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ड्राइंग्स को इजी तरीके से कैसे बनाया जाता है वो सारा कुछ सिखाया गया है, तो वो आप चेक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।